नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जिज्ञासा पर। मित्रों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्या पौधे ये पौधे क्या दर्द को महसूस करते हैं। भाई, हमारे बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, भारतीय वैज्ञानिक, जिन्होंने कहा था पौधों में जीवन होता है। उन्होंने बहुत सारे, आज जैसे हम लाइट डिटेक्टर यंत्र के नाम से जानते हैं, झूठ पकड़ने वाला यंत्र, उससे उन्होंने पौधों पे बहुत सारे प्रयोग किए थे और बताया था। उन्होंने कहा था कि अगर मैं कढ़ैया में भुनी जाने वाली सब्जियों की चीखें औरतों को सुनवा दूँ तो आधी भारतीय गृहिणियाँ खाना बनाना बंद कर देंगी। पर सवाल आज भी फिर भी हुई, क्या पौधों को दर्द होता है? आइए, पौधे के बगल में एक कोई और भी एक मनुष्य को भी बनाते हैं, है ना, कि ये भी सवाल कि क्या मनुष्यों में दर्द होता है। आप कहेंगे ये कौन सा सवाल हो गया, मनुष्य में तो दर्द होता ही है, है ना। मनुष्यों में दर्द कैसे होता है? एक मनुष्य में होता है मित्रों, चलिए यहां लिख देता हूं बिना मिटाए, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र मतलब नर्वस सिस्टम, इसे अंग्रेजी में जाना जाता है नर्वस सिस्टम, यानी तंत्रिकाएं जुड़ी होती हैं, पूरे शरीर में गई हुई होती हैं, अंदर बाहर त्वचा हर जगह। इसलिए कहीं भी आपकी त्वचा जल जाए या आपके पेट के अंदर कोई दर्द हो, सारी ये खबर लेके दिमाग तक पहुंचाती है, दिमाग वापस वहां पहुंचाता है, आपको बताता है यहाँ गड़बड़ है, मतलब बताता है उसका इलाज करो, और वो दिमाग खुद भी उसका इलाज करना शुरू करता है, मतलब शरीर खुद को दुरुस्त रखने में सहायक होता है। तंत्रिका तंत्र पूरे शरीर में फैला होता है। एक हमारी बैकबोन यानी कि जो मेरुदंड है, रीढ़ की हड्डी जो होती है, इसका अपना तंत्रिका तंत्र होता है, तुरंत जवाब देने की, जैसे किसी गर्म चीज से आप हाथ छू जाते हो एकदम से आप हटाते हैं, वो दिमाग तक मैसेज जाता ही नहीं, दिमाग तक संदेश जाता ही नहीं, वो आपके रीढ़ की हड्डी से काम चल जाता है, उसका एक अपना तंत्र होता है। लेकिन मुख्य रूप से ये तंत्रिका तंत्र काम करता है पूरे उसमें। पौधों की बात करें, आप वापस आ जाए पौधों, भाई पौधों की बात, हमने अपना तंत्रिका तंत्र बता दिया, क्या पौधों में ऐसा कोई तंत्रिका तंत्र होता है? इसका उत्तर है नहीं, पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं होता। आप के बड़े सारे सवाल हो जाएंगे, क्योंकि आपको एक पौधा शायद याद आए दोस्तों, है ना, याद आ सकता है ये पौधा, ये क्या करता है, इधर आके कीड़ा बैठा है इसके ऊपर, फटाक से बंद हो जाता है और बंद होकर उसे खा जाता है। एक पौधा घट पानी कहते हैं इसे, इसे वीनस फ्लाई ट्रैप कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में नाम मेरा ये वाले का नाम मुझे अच्छी तरह ध्यान है, इसे घट पानी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि बड़ा प्यारा सा रस, बड़ा प्यारा सा रस भरा होता है, और जब कोई कीड़ा यहाँ बैठता है तो फिसल के अंदर चला जाता है, और फिर इसका ढक्कन, ऐसे ढक्कन खुला रहता है, खट से बंद रहता है। ये सब प्रतिक्रियाएं, इसके अलावा पौधे की और प्रतिक्रियाएं भी आपको याद आएंगी। भाई क्या याद आएंगी, अगर एक कमरे में पौधा रखा है, मैं छोटी छोटी उदाहरण दे रहा हूँ क्योंकि ये सब आपके मन में भी लगता है आएगा, तो आपके इन सारी जिज्ञासाओं, हमारे चैनल का नाम जिज्ञासा ही है, आपकी सारी जिज्ञासाओं को, संभावित जिज्ञासाओं का उत्तर देते हो। कमरे में एक छेद है जहाँ से रोशनी आ रही है, तो आपका ये पौधा रोशनी की तरफ ही बढ़ना शुरू होता है। एक बेल ले लीजिए, जो ऊपर चढ़ती है बेल, जो नीचे पड़ी रहती है उन्हें क्रीपर कहते हैं, ऊपर चढ़ती है उन्हें क्लाइंबर कहते हैं। तो ये बेल जो है, अगर इसके आसपास कोई खंभा लगा है तो खुद ही जाकर उस पर चढ़ जाती है, ये भी आपने देखा होगा। तो ये सारी चीजें तो बताती हैं कि पौधों को अच्छी खासी समझ होती है, बड़े होशियार टाइप के पौधे, पौधे होशियार होते हैं, क्यों नहीं होते, और पौधों में जीवन होता है, ये भी सच है। मगर सवाल तो अभी तक वही रह गया, हम अक्सर गड़बड़ करते हैं अपने चैनल में, हम जो शुरू में पूछते हैं वो तो बीच में खा जाते हैं। नहीं, हम आपको बताएं
संदर्भों से चलते हैं हम आगे, आपको संदर्भ देते हुए चलते हैं ताकि आपके मन में वो सवाल आए तो आप लगे कि हाँ ये बात बता चुके। इतना सब होने के बावजूद भी पौधे, हम कैसे कहते हैं कि पौधे में दर्द नहीं होता पौधे को? मित्रों इसलिए कि पौधों में कोई तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र नहीं होता, तंत्रिका तंत्र ही नहीं होता। इसमें एक होता है जो इसमें काम करता है उसे अंग्रेजी में कहते हैं स्टिमली, विशेष रूप से इसे बता रहा हूँ, फिर वही मैंने कहा कुछ अंग्रेजी शब्द, हिंदी में कहते हैं उत्प्रेरक तंत्र। उत्प्रेरक तंत्र विशेष रूप से प्रोटोप्लास्ट नाम का एक इसमें तत्व होता है, उससे जुड़ा होता है। मान लीजिए यहाँ कोई कीड़ा चल रहा है इस पौधे की पत्ती पर, तो होता क्या है, इस पौधे का ये उत्प्रेरक तंत्र सक्रिय हो जाएगा, हर पत्ती को ये संदेश भेजेगा कि कीड़ा है और इसके खिलाफ के रसायन जो आप उत्पन्न कर सकते हैं उत्पन्न करें। वही सारी चीजें जो पौधे को बताती हैं कि धूप की ओर बढ़ें, जो बताती हैं कीड़ा आ गया इसे बंद करें, ये सारे उत्प्रेरक तंत्र होते हैं। और उत्प्रेरक और प्रतिक्रिया यानी रेस्पॉन्स ये देना इनका काम होता है। आप चाहें जैसे वैज्ञानिक चाहें तो उस चीज को उसमें से निकाल भी सकते हैं। और दूसरा ये भी था, जैसे छुई मुई का पौधा है, छुई मुई का पौधा जिन्होंने देखा है बड़ा मजेदार होता है। इसमें क्या होता है मित्रों कि आपने हाथ इसे लगाया और पूरा पौधा ऐसे प्यार से बंद हो जाता है, बस पूछिए, है ना, यूं करके खुला हुआ होता है और यूं करके बंद हो जाता है। ये छुई मुई के पौधे में ये होता है। तो छुई मुई का पौधे के में भी वही, और ये भी देखा गया कि बार बार आप जैसे उसके उत्प्रेरक तंत्र को अगर बार बार आप उत्तेजित करने का प्रयास करें या उसको प्रतिक्रिया उसकी बार बार लें, तो उसका उसके अंदर एक तत्व होता है जिसे कहते हैं टोन। ये हिंदी में इसका कोई नाम क्षमा कीजिएगा नहीं दिया, टोन या टोनस नाम होता है। वो टोन वाला तत्व इसमें तुरंत सक्रिय होता है और तुरंत के तुरंत आप बार बार करें तो इस टोन को कुछ देर के लिए खो देता है बार बार इस्तेमाल करने में, फिर वो कुछ देर बाद आपको प्रतिक्रिया देगा, तब के तब प्रतिक्रिया नहीं देगा। ये भी एक चीज होती है। लेकिन अगर पौधों को दर्द नहीं होता है, इसलिए अगर आप किसी गाजर को जमीन से आप उखाड़ रहे हैं, है ना, अगर आप किसी गाजर को जमीन से उखाड़ के खा रहे हैं, या आप गन्ना चबा रहे हैं, तो दोस्तों बिल्कुल बेखटक से खा चबा सकते हैं बिना मन में ये बात लाए कि पौधों को दर्द हो रहा होगा। पौधों को दर्द नहीं होता मगर फिर भी जीवन उनमें होता है, उन्हें कोई नुकसान पहुंचाने की नीयत से काम मत करिए। और पौधे तो बेचारे शांत रह के चुप रह के हमारे लिए कितना करते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा उनका सहयोग करें। लेकिन हाँ, दर्द नहीं होता है, इसलिए आप इन्हें जब भी खाना पीना चाहें आराम से इनको आनंद आप इनका ले सकते हैं। बजाय एक चिकन के आप एक गाजर खा सकते हैं, क्योंकि चिकन को दर्द होता है, उसमें तंत्रिका तंत्र होता है ना, और पौधों को दर्द नहीं होता। यही आज का हमारा प्रश्न है, उसको हमने उत्तर दे दिया। हमारे चैनल जिज्ञासा को आप देखते रहिए, फिर मिलेंगे। नमस्कार।